Good morning, Class 6th How are you all? I hope you all are well. This is our English class. Please take out your glitter book. Now, please open page number fifty. So, in our last class, we have read about this chapter, herman and I. We have started the chapter herman and I. In this chapter, the narrator is telling about his/her story. So. इट इज़ अबाउट वेन शी वॉज इन मिडल स्कूल वो छोटी क्लास में होती हैं स्कूल में होती हैं एंड शी वॉन्ट टू प्ले अ रोल इन अ ड्रामा द नेम ऑफ द ड्रामा वॉज द स्टोरी ऑफ ड्रामा दे आर शी वॉन्ट टू बिकम सी था बट एशी नो शी वॉज इन द्रिटियस्ट इन द क्लास एंड द राधिका इज द वन हु इज़ वेरी प्रिटी एंड हैज़ अ ग्रेट वॉइस तो उसको पता था ये रोल उसे नहीं मिलेगा दैन शी थिंक कि मे बी मुझे हनुमान का रोल तो कम से कम मिल ही जाए बट डैट डजेंट हैपन वो भी नहीं हुआ और उसके बाद उसको जो रोल मिला वो था सिंपल मंकी का यानी वानर का जिसमें उसको इधर उधर कूदना था एंड शी हैज़ टू सी जय राम जय हनुमान इस तरह से नारे लगाने थे शी वॉज डिसपॉइंटेड बट वो फिर भी प्ले में हिस्सा ले रही थी सो शी वॉज हैप्पी तो वो प्ले में जब हिस्सा लेती है जब जिस दिन प्ले होना होता है उस दिन जो हनुमान का रोल कर रही होती है द गर्ल अल का बिकम सिख वो सिख हो गई और इस वजह से वो प्ले में पार्ट नहीं ले पाई देन द टीचर थाट अबाउट इट एंड गिव दैट रोल टू दरेटर एंड द नारेटर सैड येस आई कैन डू इट वो कॉन्फिडेंट होती है अपने लिए और बोलती येस आई कैन डू इट अगर मैं कोई लाइन भूल भी गई देन आई विद से वट एवर आई इन दैट वट एवर कम टू माई माइंड जो भी मेरे माइंड में आएगा मैं वो बोल दूंगी जहाँ तक हमने पढ़ा था टू डे वे आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर ओके अभी वो सिर्फ ये बोल रही है कि अगर मैं कुछ भूल भी गई हूँ तो मैं कुछ बना लूँगी कुछ भी ओ नो शी सैड You shall certainly not do any such thing. I shall be prompting from the wings. तो टीचर वो सुनती है और बोलती है कि नहीं तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कहोगी जो तुम्हारे माइंड में आएगा तुम वो नहीं कहोगी और तुम वो कहोगी जो मैं तुम्हें कहूँगी अगर तुम्हें कोई लाइन तुम भूल जाओगी तो मैं किनारे से तुम्हें हल्के से बोलकर बताऊँगी और तुम्हें उसको रिपीट करना होगा बस नेक्स्ट पेज

on the stage to the accompaniment of drums और जैसे ही third scene के लिए curtains उठे तो मुझे drums के साथ भेज दिया गया I almost fell on my face उन्होंने मुझे push किया इस वजह से मैं गिरते गिरते बची for some time I could not see a thing और कुछ time तक मैं कुछ भी देख नहीं पा रही थी The drums were echoing in my ears and my hands and feet were cold and numb. जो ड्रम्स थे वो मेरे कान में गूंज रहे थे और मेरे हाथ और पैर दोनों ठंडे हो चुके थे और नम हो चुके थे हिल नहीं रहे थे बिल्कुल भी आई ओपन माई माउथ टू से माई लाइन्स मैंने अपना मुँह खोला अपनी लाइन्स बोलने के लिए बट माई थ्रॉट वॉज ड्राई एंड आई कुडेंट रिमेंबर दैम लेकिन मेरा गला सूख चुका था और मैं कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी आंसर ओरली वट मेड द ऑथर फॉर गेट हर लाइन आपको क्या लगता है ऑथर अपनी लाइन क्यों भूली ट कर रही थी और शी वॉज लैक इन कॉन्फिडेंस उसको कॉन्फिडेंस लैक हो रहा था उनका क्या हो सकता है टेल मी इन अ शॉर्ट वीडियो ओके थैंकफुली आई हर्ड माई टीचर रीडिंग आउट माई लाइन्स अगेन एंड अगेन थैंकफुली मैंने अपने टीचर की आवाज़ सुनी जो कि मेरी लाइन्स बार बार बोल रही थी आई बिगेन रिपीटिंग वट एवर शी सैड विदाउट रियलाइजिंग वट आई वॉज से और मैं लगातार उनकी जो बात है उसको रिपीटडली बोलती गई बिना ये सोचे बिना ये जाने कि मैं क्या बोल रही हूँ आई नील्ड इन फ्रंट ऑफ रामा टेलिंग हिम विथ फोल्डेड हैंड्स डेट आई वॉज हिज फेथफुल सर्वेंट और मैंने क्या किया अपने नील्स में यानी घुटने के बाद बैठ के रामा के आगे खड़े हो के हाथ फोल करके बैठा हुआ था और मैंने बोला कि मैं एक फेथफुल सर्वेंट हूँ ठीक है आई वुड ग्लैडली डाई फॉर हिम मैं उनके लिए मर भी सकता हूँ ओ माई लॉर्ड आई रिपीटेडली रिपीटेड लाउडली वट माई टीचर वॉज सेंग फिर मैंने बोला ओ माई लॉर्ड मैं अपनी टीचर की बात को रिपीट कर रही थी यू हैव फॉर गटन टू पिन योर टेल तुम तो अपनी टेल को पिन करना भूल ही गए मैंने ऐसा बोला डोंट बी सिली हिस्ट रामा आई एम नॉट सपोज टू हैव अ टेल तो जो राम होते हैं वो कहते हैं अरे मजाक मत करो ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें मत करो मेरे पास तो कोई टेल ही होती ही नहीं है बिकॉज रामा वॉज ऑफ ह्यूमन और वानर सेना में हनुमान क्या थे मंकी थे है ना यू हैव फॉरगटन योज और उन्होंने बोला तुम तुम अपनी भूल चुके हो और वो बताते हैं कि तुम अपनी भूल चुके हो आई टच द स्पॉट वेयर द टेल शुड हैव बीन और मैंने टच किया वो स्पॉट जहाँ पे मेरी टेल होनी चाहिए थी आई एम सॉरी माई लॉर्ड आई एम आई सेट ट्राइंग टू मेक अप फॉर माई मिस्टेक और मैं अपनी मिस्टेक को छुपाने के लिए ऐसा बोली कि आई एम सॉरी माई लॉर्ड आई हैव फॉर गटन टू पिन ऑन माई टेल मैं तो अपनी पूछ लगाना भूल ही गई सो so, फनी ना या इट्स वेरी फनी द टीचर नाउ विस्पोर्ट जम्प जम्प आई शाउटेड जम्प अब टीचर ने बोला जम्प जम्प कूदो कूदो और मैंने भी बोल दिया जम्प राम आर एट मी जो राम थे वो मुझे स्टेयर करने लगे घूरने लगे दैन रियलाइजिंग माई सेकेंड मिस्टेक आई बिगेन टू जम्प एंड द करटेन्स केम डाउन टू द साउंड ऑफ लाफ्टर और मेरी जो दूसरी मिस्टेक थी मैंने वो रियलाइज की और मैं कूदने लगी और उस टाइम करटेन्स नीचे गिर गए और मुझे किस चीज की आवाजाई लोगों के हंसने की देयर एंड देन द टीचर कट शॉट माई रोल बट आई हैड टू बी ऑन स्टेज इन द लास्ट एक्ट और उसी टाइम टीचर ने मेरा जो रोल था उसे कट करके छोटा कर दिया लेकिन मुझे लास्ट जो रोल था एक्ट में लास्ट पार्ट था उसमें भी एक्टिंग करनी थी आई वॉज फीलिंग लेस नर्वस नाउ एंड said माई लाइन्स वेल इस बार मैं कम नर्वस थी और मैंने अपनी लाइन अच्छे से बोली आई शो रामाज रिंग टू सीता टू कन्विंस हर डैट आई वॉज रामाज मैसेंजर मैंने सीता जो थी उनको राम की अंगूठी दिखाई और उसको दिखा के ये प्रूफ किया कि मैं राम का मैसेंजर हूँ उनका दूत हूँ सीता सैड सम ब्यूटिफुल लाइन्स अबाउट ड्रामाज ग्रेटनेस एंड हाउ शी मिज हिम और सीता ने भी ब्यूटिफुल लाइन्स बोली अबाउट ड्रामाज ग्रेटनेस यानी राम भगवान की बहुत बड़ी बड़ी जो गाथाएँ हैं वो कही और ये बताया कि कैसे वो उनको यहाँ पे मिस कर रही हैं शी हेड हर फेस इन द हैंड्स एंड बिगिन टू वीप उन्होंने अपने फेस को अपने हैंड्स से ढक दिया और रोने लगी सडनली आई रियलाइज डैट द टीचर वॉज प्रम्पटिंग वाइल सीता कैप्टॉबिंग तब मैंने रियलाइज किया कि टीचर कुछ बोल रही है जब सीता रो रही है सिंस सीता वॉज नॉट सेनी थिंग आई डिसाइडेड डेट इट वॉज माई टर्न टू स्पीक क्योंकि सीता कुछ नहीं बोल रही थी तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं कुछ बोलती हूँ आंसर उरली वट डू यू थिंक विल हैपन नाउ अब आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा आगे माई ब्यूटी इज माई बेन आई सेड ग्रैंडली मेरी जो ब्यूटी है मेरी जो सुंदरता है वो मेरे लिए और मेरे अपनों के लिए बहुत ट्रबल सम है इट इज़ बिकॉज ऑफ माई ब्यूटी डेट द विकेट रावणा वॉन्स टू मैरी मी और इसी की ब्यूटी की वजह से मेरी इस ब्यूटी की वजह से ही ये जो रावण है वो मुझसे शादी करना चाहता है वट सीता लुकिंग स्टार्टल्ड और सीता मेरी तरफ दिखती है और बोलती है क्या नॉट यू यू विस्पर्ट द टीचर तुम नहीं तुम धीरे से टीचर बोलती है आई रिपीटेड व्हाट द टीचर विस्पर्ड और मैं उसे दोबारा से रिपीट करता हूँ सींग द स्टार्टर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द होल कास्ट आई बिट माई टंग रियलाइजिंग माई मिस्टेक टू लेट और जब मैं ये सब बोलता हूँ तब मुझे रियलाइज होता है कि मैंने फिर से गलती की है और मैं अपनी टंग को बेट कर लेती हूँ जस्ट दैन एवरी वन ऑन स्टेज बिगन शाउटिंग महाराज इज कमिंग रावणा द ग्रेट इज हेयर उसी टाइम स्टेज से आवाज आती है और सब बोलते हैं महाराजा इज कमिंग महाराज आ रहे हैं रावण द ग्रेट इज़ हेयर ये महाबलशाही रावण यहाँ आ चुके हैं So today we are going to do it till here tomorrow we will start from here okay so this is very nice chapter this is very funny chapter um uh, because some of the uh, lines were so hilarious right? so this chapter is very nice you should read it at home if you have any query or if you have any question about this chapter you can ask me in the live class okay class with this, a class end here. I will see you the next time. Till then, stay home, stay safe.